हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मराठी का सेकंड चैप्टर, जो कि एक संतवाणी है। ओके तो ये संतवाणी जो है मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, साथ ही साथ इसमें जो भी हार्ड वर्ड्स रहेंगे मैं आपको इनके मीनिंग्स भी बता दूंगा। ओके गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सो गाइज, आप लोग देख सकते हो हमारी जो संतवाणी है उसका नाम है अंकिला मी दास तुजा। अंकिला मतलब होता है कंट्रोल्ड बाय, मतलब कंट्रोल किया गया हुआ। ओके तो यहाँ पे संत नामदेव जो है हमारे इस संतवाणी के राइटर है। ओके और ये कह रहे हैं कि अंकिला मतलब कंट्रोल में हूँ आपके, किसके? भगवान के। ओके और मैं आपका दास भी हूँ। इसके राइटर जैसे कि मैंने आपको बताया कौन है, संत नामदेव, और उनका जन्म हुआ था 1270 में। ओके और उनकी डेथ हो गई थी 1350 में। समझ में आ गया आपको गाइस? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट की ओर। क्या बताया गया है? वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवि। वारकरी संप्रदाय मतलब मैंने आपको बताया था जो पंडरपुर चल के जाते हैं वो ग्रुप। ओके तो उसमें के वो ग्रुप में के ये थोर संत कवि है। थोर मतलब ऑलमाइटी, मतलब एकदम ज़्यादा ही स्ट्रांग। ओके इनकी जो कविताएं हुआ करती थी, संतवाणी हुआ करती थी, ये बहुत ही ज़्यादा कैसी हुआ करती थी? पैशनेट हुआ करती थी। ओके तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है। संत नामदेवांची अभंग रचना, उनके जो अभंग रचना थी वो कैसी थी? अतिशय उत्कृष्ट असुन। उत्कृष्ट मतलब होता है पैशनेट। ओके तो इनकी अभंग रचना बहुत ही ज़्यादा पैशनेट असुन, त्यांच्या अभंगाची भाषा, त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध सरल साधी आहे। और इनकी अभंग की भाषा जो कैसी हुआ करती थी? सुबोध। सुबोध का मतलब होता है स्पष्ट, सरल मतलब होता है स्ट्रेट, और सादी मतलब सिंपल। ओके तो मतलब स्पष्ट हुआ करती थी, स्ट्रेट हुआ करती थी, और सादी हुआ करती थी। ओके समझ में आ गया आपको गाइस? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या बताया गया है? त्यांनी हिंदी तो ही रचना के लिए आहे। तो ये जो संत नामदेव है इन्होंने हिंदी में भी रचना की है। आगे देख लेते क्या बताया गया है। पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फड़कवली। पंजाब में जाके इन्होंने भागवत धर्म, भागवत धर्म मतलब भगवत गीता का जो धर्म है वो, उसके बारे में भी उन्होंने वहाँ पे पंजाब में जो है उसका झंडा लहरा दिया था। पताका मतलब होता है झंडा। ओके और फड़कवली मतलब होता है लहराना। ओके तो झंडा लहरा दिया था भगवत गीता का। आगे देख लेते क्या बताया गया है। शिखांचा गुरु ग्रंथ साहेब या ग्रंथात। आप लोगों को पता है सिख लोग जो रहते हैं उनका जो ग्रंथ रहता है गुरु ग्रंथ साहेब या ग्रंथात, त्यांने 61 मतलब होता है 61 कवने मतलब होता है पोयम्स। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहेब इस ग्रंथ में 61 पोयम्स समाविष्ट मतलब होता है इंक्लूड किया है। ओके मतलब उनके भी 61 पोयम जो है गुरु ग्रंथ साहेब इस ग्रंथ में इंक्लूडेड है। समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते हैं। भक्त नामदेव की मुखबानी या नावाने ती प्रसिद्ध आहे। और भक्त नामदेव की मुखबानी इस नाम से जो है वो प्रसिद्ध है, फेमस है। समझ में आ गया आपको? चलिए देख लेते हैं क्या बताया गया है। प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना के लिए है। तो ये जो हम लोग को संतवाणी अभी बताया गया है, इस संतवाणी में, इस अभंग में क्या बताया गया है? संत नामदेव जी जो है इन्होंने विविध मतलब अलग अलग दृष्टांतातून मतलब नज़रिए से परमेश्वर कृपेची मतलब भगवान के आशीर्वाद की याचना, याचना मतलब अपील, रिक्वेस्ट मतलब याचना मांगी है। ओके अपील मांगी है, रिक्वेस्ट मांगी है कि भगवान जी आपका आशीर्वाद हम पे सदा बनाए रखो। समझ में आ गया गाइज आपको? चलिए बढ़ते हैं हमारी संतवाणी की और, आप लोग ध्यान दीजिएगा गाइज, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं क्या बताया गया है। एक एक पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अग्निमाझी पड़े बाड़ू माथा धामवे कनवाड़ू। अग्निमाझी मतलब होता है आग में, आगीचा तड़ाख्यात। ओके जिसको मराठी में बोला जाता है और हिंदी में जैसे कि बोल सकते हैं हम लोग आग में। पड़े बाड़ू, बाड़ू मतलब होता है बच्चा, बेबी। ओके तो ये जो है लाइन, इसका मतलब ये बताया गया है, जिस तरह से छोटा बच्चा जो रहता है उसको कुछ समझता नहीं है और वो आग को देख के आग की तरफ बढ़ता है, उस वजह से क्या होता है? माता धामवे कनवाड़ू। तो मम्मी जो रहती है उस बच्चे की, माता जो रहती है वो धामवे, धामवे मतलब होती है दौड़ती है, कनवाड़ू, कनवाड़ू मतलब दयाड़ू। ओके दया की मतलब दया से वो दौड़ती है कि उसके बच्चे को लगे ना। ओके समझ में आ गया आपको? जैसे कि बच्चा जो है आग की तरफ बढ़ता है, छोटा बच्चा जिसे समझ में नहीं आता है वो क्या है, तो वो जैसे ही आग की तरफ बढ़ता है माता जो है वो दयालु बन के अपने बेटे की ओर उसे बचाने दौड़ती है। समझ में आ गया गाइज आपको? आगे देख लेते क्या बताया गया है। तैसा धावे माझिया काज काजा। क्या बताया गया है? तैसा धावे, तैसा मतलब वैसे, धावे मतलब भागे, माझिया, माझिया मतलब होता है मेरे,
काजा, काजा मतलब होता है काम, मतलब वैसे ही प्रभु आप मेरे काम के लिए भागते हो, आप मेरे काम सफल करवाने में मेरी मदद करते हो। ऐसा संत कौन कह रहे हैं? नामदेव जी कह रहे हैं। अंकिला में दास चूजा, और क्या बताया गया है? अंकिला मतलब आपकी ही कंट्रोल में हूँ प्रभु, आपकी ही दशा में हूँ, आपके ही पूरा क्या हूँ? आपका ही पूरा दास हूँ। समझ में आ गया गाइज आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या बताया गया है नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। सवेंची, सवेंची मतलब होता है लगेज, मतलब फटाक से। झेपावे पक्षिनी, झेपावे मतलब झेप लेती है, उड़ान लेती है। कौन? पक्षिनी, पक्षिनी मतलब बर्ड। पिल्ली पड़तांची धरनी, पिल्ली मतलब होता है बर्ड के जो बच्चे रहते हैं पिल्लू, वो। पड़तांची, पड़तांची मतलब होता है गिरते हैं, धरनी मतलब होता है धरती पे। जैसे ही छोटे छोटे बच्चे रहते हैं बर्ड के, जैसे ही वो धरती के ऊपर गिरते हैं, वैसे ही क्या बताया गया है? पिल्ली जो गिरते हैं, वैसे ही पक्षिनी जो है वो धरती के ऊपर मतलब ज़मीन के ऊपर झेप लेती है, मतलब एक फ्लाइट लेती है, उड़ती है ताकि वो अपने बच्चों को बचा सके गिरने से। समझ में आ गया गाइस? आगे बढ़े तो चलिए क्या बताया गया है। भूकेले वस्त्रावे, वस्त्रावे मतलब होता है गाय का बच्चा, ओके। वास्त्रु जिसको बोला जाता है, वास्त्रु, ओके। तो वास्त्रु जो है वो गाय का बच्चा है, और वस्त्रावे मतलब बच्चे का चिल्लाना, गाय के बच्चे का चिल्लाना, ओके। तो क्या बताया गया यहाँ पे? जैसे ही भूखा रहता है गाय का बच्चा, तो जिस तरह से वो चिल्लाता है, धेनु हम्बरत धावे, धेनु मतलब होता है गाय, और हम्बरत मतलब गाय भी चिल्लाते हुए, आवाज़ देते हुए अपने बच्चे की ओर बढ़ती है, ओके। समझ में आ गया आपको गाइस? आगे देख लेते हैं। वनवा लागला से वनी, लागला से मतलब लगा हुआ, वनवा मतलब होता है फॉरेस्ट फायर, मतलब कैसे कि आपको पता है कि जिस तरह से फॉरेस्ट में फायर लगता है, वनी मतलब होता है फॉरेस्ट, ओके। तो जिस तरह से जंगल में आग लगती है, पाड़स, पाड़स मतलब क्या होता है? पाड़स मतलब डियर का बच्चा, हरी नीचे पिल्लू, ओके। पाड़स चिंतित हरिणी, पाड़स चिंतित मतलब क्या बताया गया? पाड़स की चिंता में कौन है? हरिणी, हरिणी मतलब होता है डियर, मतलब अपने बच्चे की चिंता में कौन लग जाती है? हरिणी, ओके। मतलब डियर जो है अपने बच्चे की चिंता करने लगता है, जिस तरह से जंगल में आग लग जाती है उसी तरह से, ओके। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। नामा मने मेघा जैसे, नामदेव जी बोल रहे हैं मेघा जैसे, मतलब जिस तरह से, क्या बताया गया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। विन विन तो चातक तैसे, नामा मने मेघा जैसे, विन विन तो चातक तैसे, मतलब जिस तरह से नामदेव जी बोल रहे हैं, जिस तरह से चातक पक्षी जो है, गाइज ऐसा मानना है कि चातक पक्षी जो है वो साल भर पूरे बारिश का इंतजार करता है, ओके। तो उसी तरह से नामदेव जी बोल रहे हैं कि जिस तरह से चातक विन विन तो मतलब विनंती करता है बारिश होने की, ओके, जैसे कि बारिश हो जाए इसलिए वो विनंती करता रहता है, उसी तरह से प्रभु जो है मैं आपके दर्शन की विनंती कर रहा हूँ, मैं भी आस लगा के बैठा हूँ आपके दर्शन की। समझ में आ गया गाइज? तो ये अभंग जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको अगर फिर भी कोई डाउट है तो गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा अभंग जो मैंने सिखाया अभी समझ में आ गया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, ओके। थैंक यू।